अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने भी वोट डाल दी है, ठीक है। बताऊँगा नहीं किस पार्टी का हूँ, जो आज पार्टी जीतेगी तो अगली ब्लॉग में बताऊँगा मैंने उस पार्टी को डाला। तो भी अगले ब्लॉग के लिए इंतज़ार करें मैंने किस पार्टी को डाला है। और आप गैस भी कर सकते हैं कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ले के आया था, आपको मैं दिखा दूँ, एक पीछे छुरी पड़ी है। छुरी दिखा नहीं सकता क्योंकि वो YouTube की पॉलिसी में वो ठीक नहीं समझते, ठीक है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। छुरी दिखा नहीं सकता, आ रही मेरे पास थी नहीं आज। असल में ना वो जो जावा मेरा है उसे कील काफ़ी इतने बड़े बड़े हो गए, जब वो मुर्गियों क्रॉस करते तो वो मुर्गियाँ जो भी मैंने अंडों पर मुर्गी बिठाई भी उसकी कमर सारी ज़ख्मी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक दो मादियाँ और हैं, उनको उनके साथ छोड़ना है। तो वो क्रॉस इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके कील पड़े तो वो कमर पर लगते हैं, तो फिर मसला होता है मादियों को, ठीक है, वो दर्द होता है, फिर वो क्रॉस सही नहीं करवाती। फिर इसी तरह मेरे या जो भाई जिनके मुर्गों कील बड़े होते हैं उनके अंडे फर्टाइल नहीं होते, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो कोई ज़ीरो रिज़ल्ट होता है। तो ये आपके लिए भी एक बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो उन्हीं के लिए कर रहा हूँ कि आपके मुर्गे के जब ब्रीडर के कील बड़े हो जाएँ, आपने अगर उसके साथ मादियाँ छोड़ दी तो कील काट लें। उसकी वजह ये है कि जब वो मुर्गी को क्रॉस करते हैं तो वो कमर पे लगते हैं, तो फिर वो मुर्गी क्रॉस सही तरह नहीं होती, ठीक है। तो अभी बात इतनी लंबी नहीं करता, मुर्गा लेके आता हूँ और आपको सिर्फ मैं कील बता देता हूँ उसके कितने कितने कील हैं, ठीक है। वो जो दूसरी मादी मैंने बिठाई हुई अंडों पे, उसका ज़ख़म भी आपको मैं दिखा देता, ज़ख़म हो जाता है दोनों साइड पर कमर पर उसके, ठीक है। लेकिन अभी तो वो फिलहाल नहीं दिखा देता कि वो उसको ज़ख्मी किया हुआ है इसने, ठीक है। लेकिन आपको मैं मुर्गे की कील दिखा दे दूँ कितने साइज़ में कील है। और आप, मेरा दिल नहीं कर रहा काटने क्योंकि काफ़ी खूबसूरत और काले किलों में ये नर है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जब आपने ब्रीडिंग करवानी होती तो आप इनको काटने में मजबूर होते हैं, तो भी मैं काटता हूँ इनको। काटने की वीडियो मैं थोड़ी सी लगा दूँगा, ज़्यादा नहीं लगाता, वो भी फिर क्योंकि छुरी बीच में आती है तो वो स्ट्राइक का खतरा होता है। तो अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये काली चीज़, ये देखें, ये मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं पिंकी, ये देखें, ये देखें ये किस तरह चमक रही है, शाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, इसको पिंकी बोलते हैं। ये आप लाजमी है, जो शौकीन है जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ये लाजमी घर में रखें। ये इतना फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपके मुर्गे का कील, नोक, नाखून, जहाँ से खून निकलता है, ज़ख्मी हो जाए मुर्गा किसी भी तरीके से तो वो रुकता ही नहीं है खून, ठीक है। तो आप ये लाजमी रखें, अगर मेरा मुर्गे कील मैं आगे से काट देता हूँ जहाँ से उनका मतलब खून होता है, ठीक है, अगर पीछे से काटता हूँ खून ना निकला तो ये मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आगे से काट के तो इसका खून कीलों से एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए फिर वो रुकता नहीं है, ठीक है। अगर खून निकल आया तो आपको मैं दिखाऊँगा कि आपने हल्की सी चुटकी लेनी है, उस जगह पर लगा देनी है, ठीक है। उससे ये होगा एकदम एक सेकंड के अंदर आपका मुर्गे का खून रुक जाएगा, कीलों से है, नाखून से है, चोंच से है, ठीक है, ऐसी जगह से निकलता, बाकी जिस्म में तो नहीं कुछ होता। तो आप ये एकदम लगा दे, एक सेकंड में आपका खून जितना मर्जी तेज़ बह रहा है एकदम इन जगहों से खून उसी टाइम बंद हो जाएगा। फिर आप देखें कल को कि वो जगह सूखी होगी और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये मैंने इसलिए रखी है कि मुर्गे चूचे ज़्यादा मेरे पास, तो अगर ऐसी कोई इनकी फाइट होती है या ये ऊपर चढ़ते रहते हैं, कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो फिर मैं एकदम से ये लगा देता हूँ, फिर एकदम एक सेकंड में खून ही रोक देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम पिंकी, ये पंसारी की शॉप्स होंगी आपके घर के पास, तो ये उससे मिलती है, मैं ये 100 रुपये के लिए क्या हूँ, ये बहुत है, ठीक है, पहले पड़ी हुई थी मेरे पास लेकिन वो आगे पीछे होगी, फिर मैं ये नहीं ले आया, ठीक है। तो अभी मैं उसको मुर्गे को ले के आता हूँ, तो फिर आपसे एक मिनट ले आओ जी, अभी मैं मुर्गे को उठाता हूँ और आपको उसके कील दिखाता हूँ। ये जी माशाल्लाह मेरा नर है, ठीक है, बहुत ही क्वालिटी में, बहुत फाइटर ब्लड लाइन है, अखीर का तेज़ है, ठीक है, बहुत तेज़ लड़ता है, ठीक है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी की नज़र से बचाए, सबसे फेवरेट मेरा नर है मेरे सेटअप में, मतलब
लड़ाई के हिसाब से, सालत के हिसाब से बहुत आउट क्लास है, ठीक है। तो ये कील देख लें इसके, ये देख रहे हैं काले कीलों में, ठीक है। ये भी मैं काटूंगा मतलब आधा आधा इंच, ठीक है। काटने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैं दिखा नहीं सकता, उसकी वजह ये है कि पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो एक मैंने छुरी भी पकड़ी हुई है, ये आप आरी ब्लेड से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तरीका पता है, तो आप छुरी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, आपने सिर्फ आरी ब्लेड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो काटने के बाद मैं मिलता हूँ। ये जी दोस्तों, इसका एक ही मैंने काट लिया काफ़ी मुश्किल से, ये आपको थोड़ा सा खून भी नज़र आ रहा होगा इसके पैर पर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक साइड वाला हमने कील काट दिया, दूसरा आपको भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आपने छुरी से नहीं काटना, उसकी वजह ये है कि जो इनके लिए मैंने मतलब छुरी आप लोगों ने भी रखी होगी, जो इनके लिए सब्ज़ी के लिए अलग छुरी होती है इनकी, ठीक है। वो इनकी जो पालक मैं काटता था उस छुरी से तो काफ़ी वो मतलब काम नहीं कर रही थी ना, तेज़ नहीं थी। तो आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, आरी ब्लेड का इस्तेमाल करना, उससे एकदम हो जाएगा। अभी आज आपको पता वोटो का टाइम है, तो सारी शॉप्स वगैरह बंद है, मार्केटें वगैरह बंद है, तो इंशाल्लाह अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। वो देखें एक किल वो जिसका खून लगा हुआ, ठीक है, और खून इसका निकल आया था, ठीक है। तो मैंने वो आप देख रहे होंगे कील पे ब्लैक ब्लैक, वही जो मैंने आपको बताया पिंकी नाम है इसका, ये आप लगाएंगे तो बिल्कुल ये खून एकदम रुक जाता है, ठीक है। इसका खून निकलना स्टार्ट हो गया था लेकिन फिर एकदम ही रुक गया, ठीक हो गया। तो आपने भी वो जब कहीं से भी नोक से नाखनों से ऐसे अगर कील काटें तो खून ना रुके, तो आप वो हल्का सा लगाएंगे, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्का सा मैंने लगाया एकदम खून रुक जाता है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है चलते हुए, क्योंकि कील एक काट दी हमने, तो इंशाल्लाह दूसरा आपको काले कील नज़र आ ही रहा होगा। ये इंशाल्लाह मैं काट दूंगा, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता भी दूंगा कि मैंने इसका दूसरा कील भी काट दिया। अभी इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि आरी है नहीं मेरे पास, और छुरी पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, तो इसीलिए अभी इसको मैं बंद करता हूँ। नमाज का टाइम भी असर हो गया यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको बता ही दिए मैंने तरीका, ठीक है। और पिंकी आप ज़रूर रखें जब आपने कील काटना हो, उसकी वजह ये है कि अगर कोई कील छील गलत कटता है आपसे, खून कील का जो कीलों से खून निकलता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, तो उससे ये होगा कि आप एकदम ही खून को कंट्रोल में कर सकते हैं पिंकी लगा के, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, तो अभी दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।